उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि अलग अलग वजह से अलग अलग वक्त पर सुर्खियों में रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखती है, लेकिन अभी इन दिनों कुछ वीडियोस हैं जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पहला वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ और सोशल मीडिया पर मेरे ही जैसे तमाम लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। सवाल लाजमी है और ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। आपने देखा होगा पुलिस और अपराधियों के बीच में कैसी जंग छिड़ती है और कैसे चोर पुलिस का खेल चलता है, यानी कि पुलिस को बहुत फुर्ती दिखानी होती है तब जाकर कहीं क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुनसान सी एक सड़क है, गांव का एरिया लग रहा है, यानी कि कच्ची मिट्टी वाली सड़क या फिर खेत है। यहाँ पर एक शख्स बहुत आराम से बहुत स्लो मोशन में जा रहा है और उसके पीछे से कुछ पुलिस वाले आते हैं, वो भी बहुत आराम से, फिर उस शख्स को जाकर रोकते हैं, उससे कुछ सवाल जवाब और सीधा तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं और उसके पास से मिलता है तमंचा। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या इतने आराम से अपराधी आपको मिल जाते हैं क्या? यूपी पुलिस ने ये कोशिश की अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करने की कि भाई देखिए एक के बाद एक अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिस स्क्रिप्टेड तरीके से पकड़े गए हैं या फिर ये जो वीडियो है जो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है, उसको लेकर सवाल बहुत से हैं और बहुत से ऐसे सीनियर पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये साहस की कौन सी मिसाल यूपी पुलिस पेश कर रही है। एक वीडियो को लेकर चर्चा हो ही रही थी, थोड़ा सा आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट को स्क्रॉल किया, एक और वीडियो आपके सामने आ गया, वो भी हूबहू ऐसे ही शक्ल में नजर आया। यहाँ पर बस फर्क इतना था, शख्स आगे चल रहा है, पुलिस की गाड़ी पीछे चल रही है, गाड़ी फॉलो कर रही है और वो भी चीटी की स्पीड में। यहाँ भी गाड़ी से उतरते हैं पुलिस वाले, हाँ रिकॉर्डिंग पहले से शुरू हो जाती है, ये भी आपके लिए गौर करने वाली बात है। यहाँ पुलिस वाले उस शख्स का पीछा करते हैं, यहाँ भी वही होता है, नाम क्या है भाई, कहाँ से आए हो तुम, फिर सीधा तलाशी लेना शुरू और यहाँ से भी निकलता है देसी तमंचा। अब ये जब तमंचे पकड़े गए या फिर ये जिन्हें सो कॉल्ड क्रिमिनल कहा गया, ये पकड़े तो गए हैं, हो सकता है कि पहले पकड़ लिए गए हों, लेकिन ये दिखाना और ये बताना कि यूपी पुलिस सजग है, अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से काम करती है, उसके चक्कर में अब फजीहत इस तरह के दो वीडियोस या फिर हो सकता है कुछ और सर्च करें तो कुछ और इस तरह के वीडियोस सामने आ जाएं। इससे पहले एनकाउंटर को लेकर भी ऐसी खबरें आती थी जहां एनकाउंटर के बाद कंधे पर लादकर अपराधियों को ले जाया जाता था और वहां पर फोटोशूट बाकायदा चल रहा होता था। सोशल मीडिया पर चमकना अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप चमकने के चक्कर में कुछ गलतियां कर देते हो, यही गलती यहाँ पुलिस से हो गई है, जिसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर अब छा रहे हैं। बहुत से पत्रकार, बहुत से सीनियर अधिकारी भी इन पर सवाल कर रहे हैं, पूर्व अधिकारी भी सवाल कर रहे हैं, आम लोग सवाल कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये वीडियोस चर्चा का विषय हैं। आप इन वीडियोस को कैसे देखते हैं और क्या वाकई रील और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है क्या? लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई जो रील्स बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए वो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, यहाँ तो एक्टिंग भी ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा।